Hi everyone, in this video I am going to share with you guys my own interview experience कि जो जो mistakes मैंने की वो आप ना करें and कैसे हम एक particular roadmap follow करके एक हमारी जो dream job है उसको हम पा सकते हैं. So first one is I would suggest never put the paper directly without any offer. उसमें होता क्या है कि suppose जैसे हमारे पास notice period होता है कि 2 months या किसी organization में 3 months होता है. सो वी सपोज कि ये तो इनफ टाइम है एंड इसके अंदर तो हमें बहुत ऑफर मिल जाएंगे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस कि जब टाइम शॉर्टेज होता है तो हमारा जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि हमें वो पर्टिकुलर प्रोफाइल मिले और उसके अकॉर्डिंग हम अपियर होके इंटरव्यूज़ देके उनको क्रैक कर सकते हैं. इवन दो हम मतलब कैपेबल है स्टिल कभी कभार ऐसा होता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम जो देख रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलता है. सो बेटर है कि आप पैरेलली आपके पास जॉब है उसी के साइड में आप इंटरव्यू देते रहिए. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि बिना ऑफर के आप रिज़ाइन मत रखिए डायरेक्ट. अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि यस यू कैन डू इट इन दैट केस ओनली लाइक यू कैन पुट द पेपर्स. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट टू पुट टू हैव द ऑफर फर्स्ट एंड देन पुट द रिज़ाइन. सेकेंड ऑप्शन इज़ कि यहाँ पे अब एक इशू आता है कि जब हमारा नोटिस पीरियड 2 months या 3 months होता है तो हमें इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आना बंद हो जाते हैं बिकॉज नो वन अप्रोच फॉर दिस मच ऑफ ड्यूरेशन. सो व्हाट आई वुड प्रीफर इज़ जो मैंने खुद ने भी अप्लाई किया है एंड दैट रियली वर्क कि आप नौकरी पोर्टल पे या जिस भी पोर्टल पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ पे नोटिस पीरियड 0 मेंशन कर सकते हो. यस आई वुड सजेस्ट टू डू दिस बिकॉज आई फेस द सेम सिचुएशन क्योंकि जब हमारे पास कॉल आना स्टार्ट होते हैं एंड देन वी वर एबल टू लाइक क्रैक द इंटरव्यूज सो दे अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन राइट. सो वी कैन अप्रोच दैम एंड दे इवन लाइक इन 2-3 कंपनीज आई डू द सेम एंड दे आस्क मी लाइक आपने तो 0 day मैंशन किया था एंड द थिंग इज़ लाइक दैट. सो बट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस लाइक मेरा परफॉर्मेंस था तो दे एक्सेप्टेड इट एंड दे अलाउड मी फॉर 2 months कि ओके ठीक है आपका मतलब 2 months नोटिस पीरियड है तो वी आर अलाउिंग यू टू सर्व द नोटिस पीरियड. सो लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सेम एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ एक पर्सन है जो इमीडिएट ज्वाइनर है और एक पर्सन है जो नोटिस पीरियड है. कंपनीज प्रीफर करती है इमीडिएट ज्वाइनर को बिकॉज पहले इंटरव्यू प्रोसेस में टाइम लग जाता है देन 2 months नोटिस पीरियड सो वो श्योरिटी कम होती है. बट अगर आप इंटरव्यू देंगे एटलीस्ट आप इंटरव्यू में अपियर तो हो पाएंगे वो करने के चलो आप मतलब आप कंपनी बाद में आपको रिजेक्ट भी करती है. सो सी देयर इज़ नथिंग टू लूज़. आपको एक विन विन सिचुएशन है कि जब आपको कॉल आना ही स्टार्ट नहीं होंगे तो आप कैसे अपने आप को जज कर पाएंगे कि यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यूज और नॉट. सो जबकि आपके पास जॉब है एंड यू आर गोइंग टू अपियर इन द इंटरव्यू सो डू दिस थिंग इट विल हेल्प यू एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कि आप एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो कीजिए कि जैसे ही आप एक दो इंटरव्यू देंगे सो यू विल गेट रिजेक्टेड सो देर इज़ नो बिग डील इन टू दैट. तो उसमें होगा क्या कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल एबल टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि आप कहाँ पे हो कौन से एरियाज पे आपको ज़्यादा वर्क करना है और कहाँ पे आपको मींस ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है. सो उससे होगा क्या कि वो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा. अभी आपने एक दो जो इंटरव्यू दिए हैं वो तो एक डेमो इंटरव्यूज़ की तरह ही काम करेंगे. नाउ वंस यू आर डन 2-3 इंटरव्यूज नाउ यू आर रेडी टू मूव अहेड. मतलब अब आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से एरियाज पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और उनको आप उन पे काम करके एक परफेक्ट एक प्रोफाइल के लिए आप रेडी हो. सो जैसे आप एक दो इंटरव्यूज दो तो आप एक रोड मैप बना लीजिए. हाँ जैसे जनरली होता क्या है सपोज़ यू आर ए .NET डेवलपर तो इंटरव्यू हर एक इंटरव्यूज़ का यही अप्रोच होता है. हर एक इंटरव्यूज़ में यही अप्रोच होता है कि फर्स्ट दे विल गो टू ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट विच इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल. सो आप ऊप्स कॉन्सेप्ट को इतना ब्रशअप इतने अच्छी तरीके से ब्रशअप कीजिए एंड ईच एंड एवरी टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर कर लीजिए क्योंकि लाइक हम बोलते हैं जनरली फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. सो अगर आप ऊप्स के ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं बता पाओगे तो इट विल इंडिकेट टू द इंटरव्यूअर दैट योर बेस और योर फाउंडेशन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. सो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एक दो चीज़ें बाद में नहीं आएंगी दोज विल बी एक्सेप्टेबल. सो लाइक आप फर्स्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लीजिए देन द लास्ट प्रोजेक्ट इन विच यू आर वर्किंग करंटली. सो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए बिकॉज अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस सिस्टम का पूरा फ्लो हाउ इट वर्क सब कुछ पता होना चाहिए. टेक्नोलॉजीज कौन सी है और उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज पर आपकी कमांड होना जरूरी है.
सो उसको अच्छे से आप ब्रश अप कर लीजिए, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब एक बार आप रिवाइज कर लीजिए. सी रिविजन इज़ द ओनली की टू क्रैक द थिंग्स. सो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि दैट या वी आर अवेयर वी डोंट नीड टू रिवाइज, बट होता क्या है कि जब हम रिवाइज करते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन ही होती है. तो बेटर है कि हम चीज़ों को रिवाइज करें टाइम टू टाइम. एंड वंस यू आर डन विद द थिंग्स, नाउ नेक्स्ट मूव टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. लाइक अगर आप सी शार्प है तो सी शार्प पे आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए. देन उसके बाद कुछ एडवांस लेवल का आ जाएगा कि अगर आपके पास अजोर या AWS क्लाउड सर्विसेज का कुछ एक्सपीरियंस है तो आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, बट जिनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है दे कैन प्रिपेयर फॉर दैट. आफ्टर दैट आता है SQL पार्ट. सो इट्स अगेन कंपल्सरी फॉर ऑल द डेवलपर्स, बिकॉज लाइक एवरी डेवलपर यूज टू लाइक every developer is using SQL server for every application to manage the database. So फिर SQL पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए. सो इस वे में आप एक मतलब प्रोफाइल अपनी रेडी कर सकते हो, आप एक शीट गूगल शीट मेंटेन कर सकते हो कि हाँ मुझे इस वे में मुझे चीज़ों को प्रिपेयर करना है. तो पहले उप्स कॉन्सेप्ट हो गया, देन आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो गया, देन पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी हो गई, देन उसके बाद SQL हो गया, देन jQuery हो गया. jQuery बेसिकली दे विल आस्क इफ यू हैव वर्कड एनी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क इफ यू हैव वर्क, सो यू कैन प्रिपेयर ऑन दैट एज वेल. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन प्रिपेयर वेल. उसके बाद आता है कि जब ये चीज़ें आप कंप्लीट अच्छे से तरीके से जो टेक्निकल थिंग्स है वो आप क्रैक कर लेते हो तो आप लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए. आजकल कैसा होता है, हर एक इंटरव्यू में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं. सो मेजरली हर एक इंटरव्यू में आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बेस्ड ऑन एरे और बेस्ड ऑन स्ट्रिंग. जनरली आप सर्च करोगे गूगल पे कि स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे. और मोस्टली हर एक इंटरव्यू में वही सब क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे रिवर्स स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, किसी भी स्ट्रिंग में से कॉमन जो वर्ड्स है उनका अकरेंस पूछ लिया, या फिर कोई नंबर है उसका लाइक अल्फ़ाबेटिकली जो अल्फ़ाबेट है उनका नंबर में अगर जैसे हेलो वर्ड है तो ABCD के अकॉर्डिंग लाइक एच कितने नंबर पे आएगा, 1, 2, 3 से अगर हम स्टार्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग उन सब का टोटल सम पूछ लिया. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर. और SQL साइड भी मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि nth हाईएस्ट सैलरी, तो अगर आप nth कैलकुलेट करोगे तो आपको सेकेंड या थर्ड या फोर्थ जो भी पूछे वो आप इजीली कर सकते हो. देन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक डिलीट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल्स. लाइक अगर किसी टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है तो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड हम कैसे डिलीट करें, जो एक्चुअल रिकॉर्ड है वो होना चाहिए. तो वो आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे इन सब क्वेश्चंस के. सो जब आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हो तो यू आर रेडी टू फ्लाई, आई वुड से. सो ये जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी कि मैंने इन सब चीज़ों को प्रॉपर अलाइन करके प्रिपेयर नहीं किया था, तो लाइक इट टुक टाइम, बट या डेफिनेटली आई रिसीव्ड वन गुड ऑफर. बट अगेन लाइक जब आप प्रॉपर प्लानिंग अच्छी होती है तो चीज़ों का एग्जीक्यूशन तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. तो जब ये सब चीज़ें हो जाए उसके बाद आता है अभी लाइक सिलेक्शन. इंटरव्यू ऐसे ही हर एक कंपनी में इंटरव्यू नहीं देना. मैंने भी यही मिस्टेक की कि जो भी मेरे पास कॉल आता था मैंने जैसे ही नौकरी लिंक्डइन पे अपनी ओपन टू वर्क किया तो लाइक आई यूज़ टू गेट 40-50 कॉल्स इन अ डे एंड आई यूज़ टू से यस टू ऑल. सो दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक. बिकॉज उसमें क्या है कि एक टाइम कंस्टेंट होता है, प्लस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि विच ऑफर इज़ गुड फॉर यू. सो बेटर है कि आप एक क्राइटेरिया सेट करो कि हाँ मुझे ये क्राइटेरिया मैच होने चाहिए मेरी जॉब के अकॉर्डिंग. या अगर आप कुछ कभी किसी पर्सन के होता है कि ड्रीम जॉब कोई ड्रीम कंपनी होती है तो आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, उनके करियर पेजेस पे जाके अप्लाई कीजिए, या फिर लिंक्डइन पे जाके आप डायरेक्टली उस कंपनी के लाइक जॉब पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हो. देन आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप नौकरी पे जाके उस पर्टिकुलर कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो. सो उससे क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन वो है वो एक मतलब उसी अप्रोच में आप मतलब इंटरव्यू दोगे तो उसके चांसेस आपके ज़्यादा होंगे कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल पाए. सो दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने हर एक कंपनी में इंटरव्यू देके थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया. बट या अगेन लाइक इट वॉज अ प्रैक्टिस, सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. सो स्टार्टिंग पे आप फॉलो कर सकते हो कि स्टार्टिंग के दो चार ऐसे ही हर एक कंपनी में दे दो जो भी आपके पास कॉल आए. सो यू यूज टू अपीयर इन टू दैट. देन आफ्टर दैट एक क्राइटेरिया सेट करो कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है या फिर ये मेरी जॉब प्रोफाइल है तो उसके अकॉर्डिंग ये सब क्राइटेरिया मैच होने चाहिए. सो लाइक आप कम टाइम में एक अच्छा ऑफर ले सकते हो.
इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट सीरीज लेके आने वाली हूँ कि कैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक टॉपिक वाइज आई विल क्रिएट अ सीरीज, और लाइक क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे होंगे कि कैसे कोई भी जो इंटरव्यूज़ के जो मोस्ट कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे लाइक इफेक्टिव वे में आंसर कर सकते हैं। हम प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू उनको देख रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। सो ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।